नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी से बनाए जाने वाले बिल्कुल बाजार के जैसे नमकीन की रेसिपी, जिसे आप घर में ही एकदम सस्ते में ढेर सारा नमकीन बना के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि गर्मी का छुट्टी शुरू ही होने वाला है, तो हर हमेशा कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करेगा सभी कोई को। आप कहीं जा रहे हैं तो भी साथ में आप इस नमकीन को लेके जा सकते हैं। बहुत ही मस्त बना के आज दिखाने वाली हूँ। आप एक बार बना लेंगे तो इसे साल दो साल भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर मैं ली हूँ एक कटोरी सूजी। आप इसी तरीके से ढेर सारा बना के रखिएगा। तो मैं यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली हूँ, इसे डाल देती हूँ मिक्सर जार में, क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा बारीक करना है, दरदरा सा रखना है, बहुत ज़्यादा इसे बारीक हमें नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे हल्का सा कुछ भाग इसका पिस जाए बारीक से और कुछ भाग मोटा ही रहे। तो कुछ इस तरीके का सूजी को पीस के लेना है। बहुत ज़्यादा सूजी मोटा रहेगा तो जब आप नमकीन बनाएंगे तो वो थोड़ा सा खाने में टाइट जैसा लगेगा, थोड़ा हार्ड लगेगा। और इस तरीके से पीस के बनाइएगा तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, सॉफ्टनेस भी उसमें रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी करना है इसमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। अभी नमक डालने से इसमें एकदम सही नमक का मात्रा आपको समझ में आएगा। अब इसमें डालती हूँ जिस कटोरी से सूजी ली हूँ उसी कटोरी से एक कटोरी पानी। आप जिस भी बर्तन से सूजी ले रहे हैं उसी बर्तन से आप पानी का भी माप कीजिएगा। तो एकदम सही बन के आएगा नमकीन, ना ही ज़्यादा ये गीला होगा ना ही ज़्यादा ये कड़ा रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, हमारी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। हर रोज़ आपके लिए दो रेसिपी की वीडियो लेके आती हूँ। एक दिन में 11 से 12 के बीच में आता है, एक शाम में 6 से 7 के बीच में आता है। तो आप अपना ढेर सारा प्यार हमें दीजिए फ्रेंड, कि आपके लिए नई नई रेसिपी सोच सकूँ और ऐसा वीडियो लेके आप लोगों के पास पहुँचाती रहूँ, जिसे कि आप घर बैठे ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सूजी का हमारा पेस्ट कुछ इस तरीके का तैयार होके आया है। सूजी का नमकीन बहुत ही ज़्यादा खास्ता बनता है, खाने में थोड़ा अलग टेस्ट का होता है। इसके लिए मैं आपको सूजी से बना के ज़्यादातर नमकीन दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ली हूँ पैन। पैन में हमें डालना है सेम कटोरी से एक कटोरी और आधा कटोरी, डेढ़ कटोरी पानी। एक कटोरी पानी सूजी के साथ डाली हूँ और डेढ़ कटोरी पानी यहाँ डाल रही हूँ, थोड़ा सा, डेढ़ कटोरी से कम ही है। तो इतना सा ही पानी यानी सवा कटोरी यहाँ पर पानी हमें डालना है। इतना डालने से क्या होगा, सूजी हमारा कच्चा नहीं रहेगा और ना ही ज़्यादा वो गाढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा सूखा भी हमें नहीं चाहिए नमकीन बनाने के लिए। अब इसमें डाल देती हूँ एक चम्मच तेल। यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना, सोयाबीन तेल, मूँगफली का तेल, कुछ भी डाल सकते हैं रिफाइंड। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें डालना है पापड़ खार। तो फ्रेंड्स, नमक तो मैं पहले सूजी में डाल चुकी हूँ तो नमक अभी नहीं डालना है। इसमें डालना है पापड़ खार। आपके पास है पापड़ खार तो आप ये छोटे वाले चम्मच से एक चम्मच डालिएगा एक कटोरी सूजी के लिए। यदि नहीं है तो आप ऐसे करके एक चुटकी मीठा सोडा डाल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाई हूँ। मात्र एक पिंच ही डालिएगा एक कटोरी, छोटा कटोरी में। तो यहाँ पर एक छोटा चम्मच डाली हूँ पापड़ खार, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, जिससे कि हमारा नमकीन बहुत ही अच्छे से फूलेगा, खास्ता होगा। ये पापड़ खार स्पेशली पापड़ के लिए ही है, ये पापड़ में पड़ता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा पापड़ बन के आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब अच्छे से इसे मिक्स करके पानी को तेज उबलने तक इंतज़ार करना है। तो चलिए पानी को अच्छे से उबलने देती हूँ। पानी अच्छे से उबल रहा है, अभी गैस के आंच को एकदम कम कर देना। जब पानी अच्छे से उबल जाएगा तो लो कर देना है फ्लेम को, और इसके बाद इसमें सूजी के घोल को डालना है। तो डालने से पहले एक बार इसे मिक्स कर लेना, क्योंकि सूजी फूल गया है, फूलने के बाद ये बैठ गया है थोड़ा। और एक हाथ से आपको डालना है बैटर को, दूसरे हाथ से चलाना है, और आँच को एकदम कम रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, सूजी कच्चा ही रह जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। और इसे अच्छे से चलाते हुए पका लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह की पापड़ की रेसिपी चाहिए, जैसे मूंग दाल के पापड़, उड़द दाल के पापड़, चने दाल के पापड़, मसूर दाल के पापड़, कोई भी दाल के पापड़ आपको चाहिए, उसकी रेसिपी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं वीडियो का लिंक आपको ज़रूर दूंगी, आप लिंक को टच करेंगे सीधे हमारे वीडियो पर पहुंच जाएंगे और वीडियो को आप देख के पापड़ झटपट से बना कर रख सकते हैं। आपको यदि सन ड्राइड
बनाना चिप्स चाहिए केले का चिप्स, तो उसका भी रेसिपी हमारे पास है। तो आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस वीडियो का भी लिंक आपको दूंगी। ज़्यादातर आप लोग केला का चिप्स इंस्टेंट बना के खाए होंगे, जैसे कि बना के तुरंत तेल में फ्राई करिए, खा पी के ख़त्म करिए, लेकिन ऐसा मैं रेसिपी डाली हुई हूँ अपने चैनल पर, जिसे कि आप एक बार बनाएंगे तो साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे आप उसे व्रत में खाएं या रोज़ के खाने में भी खा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। आप नए हैं हमारे चैनल पर, पहले हमारा वीडियो नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर से एक बार याद दिला दूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि हमारा मनोबल बढ़े और मैं तरह तरह की रेसिपी की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। अब सूजी हमारा अच्छे से पक चुका है, इसमें ढक्कन लगा के गैस को बंद कर देना है और इसे 5 मिनट तक छोड़ देना है रेस्ट करने के लिए, जिससे ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए और सूजी अच्छे से सेट भी हो जाए। 5 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक ग्लास ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर लीजिए और इसी से हमें सूजी को हल्के हाथों से मसलना है, क्योंकि इसका जो दाना है एक दो सूजी में आधा पिस चुका है, आधा जो दाना दाना सा है वो रहना चाहिए इसके लिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये सूखा भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे हमें मिक्स करना है, जो इसमें हल्का फल्का गुठली होगा वो निकल जाएगा। कुछ इसी तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, आपको फालूदा की रेसिपी चाहिए, सन ड्राइड फालूदा, जिसे आप एक बार बनाए साल भर तक स्टोर करके खा सकते हैं, उसका भी रेसिपी है, जो कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। ऐसा मैं वीडियो बना के डाली हुई हूँ, आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जाके देखें, नहीं देखना है, नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करेंगे, मैं वीडियो का लिंक आपको ज़रूर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस तरह से मसलते हुए 2 मिनट तक हमें सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा तैयार हो चुका है नमकीन बनने के लिए सूजी। सूजी के चिप्स और भी, सूजी के चिप्स का वीडियो चाहिए, सूजी का नमकीन का वीडियो चाहिए, चावल के आटे का नमकीन बनाना चाहते हैं, सारे तरह का रेसिपी हमारे चैनल पर है, आप ज़रूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा हमारा तैयार है। अब चलिए आपको नमकीन बना के दिखाती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा कड़ा है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा ही आटा आपको लगाना है। नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर ले ली हूँ ऐसा वाला, ये साचा प्लास्टिक वाला से आज बनाऊंगी, आपके पास है तो आप इससे बना सकते हैं, नहीं तो पीतल वाला से भी आप बना सकते हैं। तो ये छोटा है, बनाने में थोड़ा सुविधा होता है, आपके पास ये है तो है, नहीं है तो ऐसा वाला है, तो आप इससे भी बना सकते हैं। तो इसमें जिससे गाठिया बनाया जाता है वो वाले ब्लेड आप लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छे से ये नमकीन बन के आएगा। अब आटे को इसमें भर देना है, देखिए इस तरीके से दबा के, बीच में जगह नहीं रहना चाहिए। अब इसमें लगा देना है ये, इसमें तो बहुत ऐसे डालिए फिर इसे चलाइए, लेकिन मैं डायरेक्ट ही बना के आपको दिखा रही हूँ, सीधा इसके डालना है और एक हाथ से प्रेस करना है और नमकीन अपने आप बनते चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से लंबा लंबा इसका स्टिक निकाल लेना है पहले। इसी तरीके से बहुत लंबा लंबा आप निकाल लें इसका, उसके बाद आप अपने मन पसंद के साइज में इसे कट कर सकते हैं। आपको लंबा चाहिए ज़्यादा तो लंबा रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से छोटा छोटा इसे कट कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, इसका डिज़ाइन एकदम मार्केट वाले ही डिज़ाइन बन के आएंगे। ऐसा चिप्स आप मार्केट में देखे होंगे बिकते हुए, और इसी को मैं घर में बनाने की कोशिश की हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर भी कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से इसे छोटा छोटा कट करके और धूप में डाल देना है सूखने के लिए। अच्छे से जब सूख जाएगा एकदम अच्छे से, तब आप इसे स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं और चिप्स खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरे के जैसा ही लगेगा। आप चाहे तो इसके ऊपर से अपने मन पसंद का कोई भी मसाला डाल के चटपटा बना सकते हैं। तो इसे बना के सूखने के लिए डाल देती हूँ, जब हमारा चिप्स बहुत अच्छे से सूखेगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, और ढेर सारा बनके तैयार हुआ है एक छोटा कटोरी सूजी से। तो चलिए, हमारा जब नमकीन अच्छे से सूखता है, इसे धूप में डाल देती हूँ, सूख जाएगा अच्छे से, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सूखने के बाद ये कैसा बना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नमकीन हमारा सूख के तैयार हो चुका है। सूखने के बाद इसका देखिए डिज़ाइन और भी उभर के आ रहा है, और इसे रखना भी बहुत आसान है। छोटा छोटा आप किसी भी डब्बे में इसे बंद करके रख लें, एकदम ख़राब नहीं होगा। जब चाहें जितना चाहें उतना फ्राई करें और खाएं। देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब नमकीन को आपको फ्राई भी करके दिखाती हूँ कि फ्राई होने के बाद इसका साइज क्या आता है। नमकीन फ्राई करने के लिए तेज तेल को हमें थोड़ा अच्छे से गर्म करना है, तभी जाके ये फ्राई होता है अच्छे से, नहीं तो ये फूलता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, तेल को गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमकीन, और देखिए कितना अच्छा से ये फूल रहा है तेल में, और इसे निकाल लेना है। देखिए बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा और फ्राई करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी नमकीन हमारा फ्राई होके तैयार हो चुका है। अब दिखाती हूँ आपको नज़दीक से। यहाँ पर नमकीन को फ्राई कर ली, इसके ऊपर से आप चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर डाल के और खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।